Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के डे नंबर 22 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड डे नंबर 23 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, गुड टाइम्स कमिंग इन। सत्यमेव जयते द्वितीय के असफलता के बाद ऐसा लग रहा था कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ सारे के सारे शोज एंड स्क्रीन ले जाएगी, लेकिन मैंने जैसे कल कहा था, सूर्यवंशी अभी जिंदा है। एंड गाइस, सूर्यवंशी के जो शोज है, मैंने आपको अंतिम के लास्ट एपिसोड में बताया था कि बहुत भारी मात्रा में बढ़ चुके हैं, 100 से सीधा 200 शोज कर दिए मुंबई में। एंड ये फिल्म जो लग रही थी कि अपने किसी भी दिन अभी 1 करोड़ नहीं कमाएगी, अब फाड़ने के कगार पर है। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, डे नंबर 22 जहां लग रहा था कि फिल्म कहीं ना कहीं 55-50-60 लाख कमा सकती है, वहां पे इट हैज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी एंड द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर सूर्यवंशी ऑन इट्स 22nd डे इज 71 लाख रुपीज। यस फ्रेंड्स, 71 लाख रुपया इस फिल्म ने कमाया है। एंड अब इसका जो ग्रैंड टोटल है वो होता है 185.64 करोड़, 185.64 करोड़ इसने 22 दिन में कमाए हैं एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। इसका ग्रॉस होता है 220.98 करोड़ रुपीज। बात करूँ ओवरसीज की, तो गाइस ओवरसीज के जो कलेक्शंस आए हैं 21 डेज तक वो है 59.70 करोड़, यानी कि 59.70 करोड़। इसी के साथ सूर्यवंशी ने विश्व भर में जो मैजिकल टोटल था, यानी कि 280.68 करोड़ की कमाई कर ली, यानी कि 280.68 करोड़। मैं कहता था ना कि ये कलेक्शंस अविश्वसनीय है, आने वाली कई फिल्मों को इसके नज़दीक भी जाने के लिए बहुत महीने लगने वाले हैं। लेकिन गाइस, अब हम बात करेंगे आज की, यानी कि डे 23 की, यानी कि 4th सैटरडे के बारे में। तो गाइस, सूर्यवंशी के मुंबई में जो शोज है वो 222 शोज है, मैसिव फिल्मों के पहले हफ्ते में उनको 222 शोज नहीं मिल रहे। यहाँ पे सूर्यवंशी ऑलमोस्ट अपने 4th हफ्ते में 222 शोज लेकर ही नहीं, बल्कि ऑक्यूपेंसी भी इतनी ज़बरदस्त रखी है उसने। बात करूँ मुंबई की गाइस, तो मुंबई की ऑक्यूपेंसी फिलहाल 17% इन द मॉर्निंग शोज एंड 20% इन द आफ्टरनून शोज है, जो कि नई रिलीजेज जो है उनसे भी बहुत अच्छी चल रही है। बात करूँ दिल्ली NCR, तो वो ऑब्वियसली निराशाजनक रही है सारी फिल्मों के लिए। उसकी ऑक्यूपेंसी 9% है, लेकिन शोज बढ़ के 151 हो गए हैं। पुणे में 85 शोज, बैंगलोर में 36, एंड गाइस हैदराबाद में 65 शोज करके अलॉन्ग विद अहमदाबाद 108। पूरी ऑक्यूपेंसी जो है मॉर्निंग शोज की वो 13% की है, एंड आफ्टरनून राइट नाउ इज एट 16%, जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ का साइन है। एंड ऐसा लग रहा है कि आज सूर्यवंशी अपने 23rd डे पे कहीं ना कहीं 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख डेफिनेटली कमाएगी। अद्भुत, अविश्वसनीय, एंड ऐसा लग रहा है ऐसा चलता रहा, सत्यमेव के और स्क्रीन्स और शोज गए तो मंडे से इसको और शोज मिलेंगे। एंड अगर इसने आज इतना कमा लिया तो कहीं ना कहीं ये 186 से लेके 187 करोड़ कमा लेगी। संडे 1.5 करोड़ डेफिनेटली कमा सकती है। भाई सूर्यवंशी कहीं ना कहीं अब 188 करोड़ आ जाएगी अपने ऑलमोस्ट 24 डेज में, जो कि अपने आप में ही अद्भुत फिगर होगा। लेट्स सी गाइस, क्या ये 200 करोड़ जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आने वाली फिल्में इसी तरह से नहीं चलती रही तो डेफिनेटली सूर्यवंशी विल बी द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि इसका कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। श्याम अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।